नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलुरु की जानिब से MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के इम्तहान वक्त से पहले मुनाकिद करने की मुखालिफत करते हुए MBBS स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से आज दफ्तर डिप्टी कमिश्नर के रूबरू एहतजाज मुनज़म किया। रियासत भर में मेडिकल स्टूडेंट्स ने आज एहतजाज करते हुए प्रोटेस्ट डे मनाया। स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने से मुतालिक याददाश्त मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर को और यूनिवर्सिटी को भी दी गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने के लिए तैयार ही नहीं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली RGHS फाइनल ईयर MBBS एग्जाम्स प्रीपोन्ड है, बिकॉज लास्ट ईयर 2016 बैच जो स्टार्ट हुआ था वो मई से हुआ था और उनकी कंप्लीशन जो है मई में होगी, मई 2020 में होगी, बट ये एग्ज़ाम्स जो है मार्च में ले रहे हैं, 2 मंथ प्रीपोन्ड एग्ज़ाम्स ले रहे हैं। तो ये टोटली गलत है और यूनिवर्सिटी को प्रीपोन्ड नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम ऑन शेड्यूल लेना चाहिए। मई में सेशन स्टार्ट हुआ है, मई में कंप्लीशन होगी 2016 बैच की, 2017 बैच की मई से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होनी चाहिए। तो वी डिमांड पोस्टपोनमेंट ऑफ फाइनल ईयर MBBS एग्ज़ाम, दिस इज जेन्युइन डिमांड। सर, आप सभी को मालूम है पिछले 10-15 दिनों से मेडिकल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट में है, उनका जो सिर्फ मांग एक है कि जो एग्ज़ाम जो प्रीपोनमेंट हुआ है उसे पोस्टपोनमेंट किया जाए। लेकिन ये यूनिवर्सिटी वाले RGHS यूनिवर्सिटी वाले MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे, इनका जो मांगे है सर बहुत ही जस्टिस वाला मांग है कि उन्हें एग्जाम लेने के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करने के लिए और थोड़ा वक्त दिया जाए बोल के। ये क्यों बोले तो 12 महीने तक जो एग्जामिनेशन चलना क्लासेस वगैरह कंडक्ट करना चाहिए था, पॉजिटिव वगैरह होना चाहिए था, ये नहीं हो पाया है, सिर्फ 8 से 9 महीना ये हो चुका है। ऐसे मौके पर बहुत बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स के जो करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर डॉक्टर लोग अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए तो वो अच्छी तरह से डॉक्टर कैसे बन पाएंगे, ये एक सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसे RGHS मानना चाहिए और ये मानने के लिए हम RGHS को भी मेमोरेंडम दिए थे और साथ ही साथ डॉक्टर सुधाकर को भी मेमोरेंडम दिए थे। डॉक्टर सुधाकर ये नहीं माने, डॉक्टर सुधाकर मान के एक यूनिवर्सिटी वालों को अपील लेटर भी करें, नहीं ये बच्चों का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंसाफ वाला प्रॉब्लम है, इसे आप इमीडिएटली एग्ज़ाम पोस्टपोन करके सॉल्व कीजिए बोल के बोले, नहीं ये नो नहीं मान रहे यूनिवर्सिटी वाले, नहीं मान रहे। इसके खिलाफ पूरे आज पूरे कर्नाटका वाइड हर एक ज़िला में मेडिकल स्टूडेंट्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स रोड पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो पोस्टपोनमेंट करने के लिए उनका जो मांग है। तो अगर ये नहीं हो पाया तो आने वाले जो टाइम में स्टूडेंट्स अगर उनका जो प्रॉब्लम जो कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो पूरे के पूरे जिम्मेदार होंगे यूनिवर्सिटी वाले, ये इमीडिएटली करो बोल के हम मांग कर रहे हैं। मेरा नाम हनुमंत SH है, AIDSO स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट।